वीएचपी को नहीं मिली परिसर में दीपोत्सव की अनुमति। बड़ी खबर अयोध्या से बता रहे हैं, वीएचपी को नहीं मिली है दीपोत्सव की अनुमति। कमिश्नर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वीएचपी ने मांगी थी विवादित स्थल पर दीपोत्सव की अनुमति। 10 दिसंबर तक रामनगरी में लागू रहेगी धारा 144। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर वीएचपी को दीपोत्सव ने नहीं मिली है अनुमति। अयोध्या वीएचपी को नहीं दी गई अनुमति। आपको बता दें करिश्मा और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि वीएचपी को अनुमति नहीं दी गई है दीपोत्सव। बिल्कुल, इसी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विवादित परिसर जो दीपोत्सव के लिए जो होना था, उसी दौरान जो है 51,000 दिए जलाने थे, लेकिन इनको जो है जो यहाँ के रिसीवर कमिश्नर हैं, उन्होंने अनुमति बिल्कुल नहीं दी है। इन्होंने बताया है कि जो जिस तरह से परंपरागत जो कार्यक्रम जैसे होता था वैसा ही होगा, इनको परमिशन नहीं दी जाएगी, जिसके लिए यहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा व उनके साथ में जो और उत्तराधिकारी हैं महंत ये मणिराम दास छावनी के, जो कमल नयन दास जी हैं, ये सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस आदेश को लाने के लिए। जी, क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से अनुमति नहीं दी गई? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि इसलिए अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि जिस तरह से परंपरागत पहले कार्यक्रम होते नजर आ रहे थे, उसी तरीके से ये कार्यक्रम फिर से ये होगा। अगर इनको अनुमति दे दी जाती है तो शायद मुस्लिम पक्ष भी जो है अपना ये कोई पक्ष रखेंगे कि ये कोई कार्यक्रम करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। आपको बता दें कि वीएचपी को नहीं मिली परिसर में दीपोत्सव की अनुमति। बड़ी खबर आपको बता रहे कि कमिश्नर ने अनुमति देने से साफ इंकार कर दिया है। वीएचपी ने मांगी थी विवादित स्थल पर दीपोत्सव की अनुमति। और अब रुकेंगे एक छोटे